एलॉइड एक हॉरिजॉन्टल होता है, अगर उसको ऐसे बोलते हैं हम ग्रीन बना तो शेप कौन का होते हैं, तो एक चीज देखेंगे कि यहां से करंट जा रहा है,
किरण से हम देखेंगे करंट के अंदर की तरफ जा रहा है और इसके नेक्स्ट पॉइंट यहाँ इसके ठीक अपोजिट पॉइंट पर हम क्या देखेंगे करंट बाहर आ रहा है। सॉरी यहाँ जा रहा है तो इसको हम किससे विरोध कर रहे हैं ड्रॉप से और यहाँ बाहर आ रहा है तो इसको किससे विरोध कर रहे हैं ड्रॉप से। तो जितना करंट अंदर जाएगा उतना ही करंट बाहर आएगा तो नेट करंट क्या हो जाएगा। तो लूप थ्री की अगर बात करें तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा ठीक है। तो जो नेट का हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा पूरा टॉरॉइड के अंदर ठीक है। ठीक है अब हम देखते हैं कि सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी बिटवीन बायोसेवर फ्लॉप एंड एम्पियर ठीक है। तो सिमिलरिटी की बात करें तो सिमिलरिटी तो यही है कि दोनों क्या करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को करंट के साथ जोड़ देते हैं मैग्नेटिक फील्ड और करंट दोनों क्या करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को करंट से जोड़ ठीक है। डिसिमिलरिटी की अगर हम बात करें तो जो बायोसेवर फ्लॉप लिखा था वो डीपी था और वो क्या था यू और आई जो एम्पियर सर्कुलर लॉ है वो क्या बेस्ड सिमेट्री पे बेस्ड है तो क्या बोलते जो हम रूल बनाते हैं वो क्या है सिमेट्री देखते हैं ना यहाँ जगह मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन पास बट जो बायो सेवर्ट लॉ क्या है वो अनसिमेट्री वो सिमेट्री पे बेस्ड। सेकंड थिंग अगर हम बात करें तो जो बायो सेवर्ट लॉ है वो सिर्फ मैग्नेटिज्म के बेस पर गौर करते हैं लेकिन ये जो हमारा एम्पियर सर्कुलर लॉ ये इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेस्ड है इसलिए हम आगे डिटेल करेंगे जब हम इलेक्ट्रो मैग्नेटिक तो उसमें दोबारा से एक्टिव सर्किट का लॉ ठीक है। तो ये भी तो सिमिलरिटी है बस। ये एक क्वेश्चन हमें गिवन है यहाँ पे बेसिकली वायर की शेप में ड्रॉ किया गया है ठीक है। वायर ऐसे जा रहा है ठीक है दो सेमी सर्कल बना रहा है एक छोटा बनेगा एक ऑब्वियस है कि आर्टू क्या है बड़ा है आर्टू से तो हमसे पूछा जा रहा है नेट मैग्नेटिक फील्ड एट दिस सेंटर यानी सेंटर पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना ठीक है। तो वायर सेवन ड्रॉ में हमने पढ़ा है ठीक है एक स्ट्रेट वायर से मैग्नेटिक फील्ड पड़ा है क्योंकि सेमी सर्कल है तो हमें क्या करना होगा वन बाय टू से बांटनी पड़ेगी। तो ये क्या है फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड ये छोटे वाले से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा डी नॉट आई का जो हुआ था क्या निकलेगा आर अगर डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पे करंट ऐसे जा रहा है यहाँ पे करंट ऐसे जा रहा है तो हम क्या करेंगे फिंगर की कॉलिंग करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो ऑफ पेपर वो कोई भी पेपर पेपर से बाहर आउटसाइड तो मैं यहाँ पे क्या लगा सकता हूँ क्या यहाँ पे करंट क्या लगा दिया। और जब इसकी बात करेंगे तो करंट किस तरफ से जा रहा है तो इसका जो बनेगा वो क्या बनेगा इन साइड तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में वायर भी है ठीक है। लेकिन जब इन दो वायर की बात करेंगे तो ये अगर यहाँ पे लाइन ड्रॉइंग करें तो क्या होगा इसके एक्सिस पे लाई करता है और अगर पॉइंट एक्सिस पे लाई करता है तो उसका कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं। तो इन दो वायर की वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं। इन दो से जीरो तो अगर हम नेट निकालेंगे तो नेट क्या करना होगा मतलब बड़े में से छोटे को माइनस करना होगा ये सेकेंड वाले का तो इससे उनका आठ तो अब हमें पता करना है कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड बड़ी है कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड
टू बड़ी है एक भी, तो हम क्या देखेंगे सारा पार्ट तो सेम है आर वन और आर टू का डिफरेंस है। अगर आर टू बड़ा है तो बी टू क्या होगा छोटा होगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे यू नॉट आई अपॉन टू कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे वन बाय आर टू माइनस वन बाय आर टू, ठीक है। तो ये हमारा और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी जो बी वन की डायरेक्शन होगी तो यहाँ पे तीन बन रहे हैं, इससे बन रहा है, इससे बन रहा है और एक इससे बन रहा है, तो सबसे पहले हम स्ट्रेट पार्ट से तीन आएंगे, जो स्ट्रेट पार्ट से बनेगा उसकी डायरेक्शन देखेंगे, तो हम क्या करेंगे हम की करंट की डायरेक्शन को फॉलो करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड इस पार्ट पे क्या है बाहर की तरफ आ रहा है, इससे भी देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या है बाहर की तरफ आ रहा है, हम क्या कर सकते हैं जो स्ट्रेट वायर है उससे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो क्या बनेगी यू नॉट आई अपॉन में फोर पाई आर, जो दूसरा है वो भी क्या होगा यू नॉट आई अपॉन में फोर पाई आर, दोनों क्या है आउटसाइड यानी कि पेपर फिल्टर बाहर। एंड जब हम बात करेंगे इस करंट की यानी सर्कुलर लूप की, तो सर्कुलर लूप के करंट हम कैसे निकालते हैं कर्लिंग करते हैं, जहाँ पे करंट हो रहा है यहाँ कर्लिंग कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या जा रहा है अंदर की तरफ जा रहा है, अगर अंदर की तरफ जा रहा है तो उसका क्या बनेगा सर्कुलर बार से जो बन रही है मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट आई अपॉन टू आर, ठीक है। तो ये क्योंकि ये पूरा कंप्लीट सर्कल है तो ये गैप निकालने के लिए ऑलमोस्ट कम्युनिकेशन कर रही होगा बहुत छोटा है, तो हम इसको क्या करेंगे कंप्लीट सर्कल और सीखा है क्रॉस बन रहा है। अब हमें नहीं पता कि ये वाली मतलब पता करना होगा कि ये वाली ज्यादा है कि ये वाली ज्यादा, ये करने के लिए बी लेफ्ट निकाल रहे हैं, तो सपोज करो मैं इसको ये डायरेक्शन मैं अपनी डायरेक्शन हम यहाँ पे कैसे कर सकते हैं आउटवर्ड डायरेक्शन को हम पॉजिटिव कर रहे हैं और इनवर्ड डायरेक्शन कर रहे हैं लेफ्ट, तो इसको पॉजिटिव कर रहे हैं तो इसको हम क्या लिखेंगे पॉजिटिव लिखेंगे, तो ये पॉजिटिव होगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं यू नॉट, ठीक है। ये दो टू आई हो जाएगा ये दो बार है एक क्वेश्चन
इसलिए क्या करें वो सैली सर्कल की तरफ तो हमसे पूछा जा रहा है नाइट्रोजन पॉइंट फोर है बहुत ही ठीक है। हम क्या करेंगे इस सर्कल से निकालेंगे ठीक है। तो ये सर्कल से निकालेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी और ये जो नेगेटिव ये जो लाइन है ना ये जो लाइन है ये दोनों लाइन क्या हो जाएगी उसके एक्सिस पे लाइन का भी बात की पड़ी है। इससे जब नेगेटिव से निकालेंगे तो क्या होगा ए टू बनेगा और इससे जब निकालेंगे यहाँ पे कर्लिंग करेंगे यहाँ पे कर्लिंग करेंगे तो क्या होगा इससे भी क्या बन रहा है ए टू बी कर तो दोनों नेगेटिव फिर क्या करना है एड यहाँ जब ऐड करेंगे तो बी इसको फर्स्ट रूट मानने को सोच सकते हैं तो जीवन लिखेंगे तो यू नॉट आई अपॉन ए टू आर नेट आर जो उसका होगा तो ये वाला सिग्नल आर होगा तो टोटल करेंगे तो क्या रहेगा जी आर ठीक है। तो जब बी टू निकालेंगे तो हम क्या करेंगे बी नॉट अपॉन ए टू यहाँ आर की जगह आर ही लेंगे ये भी क्या होगा बी टू जी पेपर होगा तो बी नेट जो होगा तो हम क्या करेंगे सी टी एड करेंगे इसको क्या देगा बी नॉट अपॉन ए टू आर कॉमन आ जाएगा ठीक है। और सॉल्व करना चाहते हैं कैसे कुछ होता है ये बी क्या देगा बी नॉट अपॉन ए टू आर